नमस्कार वन डबल फोर वन रेसिपीज़ में आपका स्वागत है मैं हूं रोशन आज हम दलिया और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाएंगे ये खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होती है ये खिचड़ी सबके लिए एक सही ऑप्शन है जब तक कि एक पैसेंट तक आप खिला सकते हो और बाकी बच्चों और बुजुर्ग और आप भी अच्छे से मज़ा लेके खा सकते हो तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं इसके लिए पहले प्रेशर कुकर में दो चम्मच घी ऐड करेंगे आप चाहो तो तेल भी यूज़ कर सकते हो लेकिन हम यहाँ पे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो देसी घी ले रहे हैं गैस की फ्लेम स्लो रखना है घी को मेल्ट कर लेंगे हमारा घी मेल्ट हो गया है अब हम सबसे पहले इसमें दलिया ऐड करेंगे दलिया हमने 100 ग्राम जितना लिया है दलिए को अच्छे से सोटे कर लेंगे यहाँ पे हमें गैस की फ़्लेम स्लो रखनी है दलिए की महक आने तक हम सोटे करेंगे हमारे दलिए वो अच्छे से रोस्ट हो गया है और महक भी आने लग गई है अब हम इसमें मूंग की दाल ऐड करेंगे मूंग की दाल हमें सेम क्वांटिटी के हिसाब से 100 ग्राम जितना लिया है यहाँ पे दलिया और मूंग की दाल दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है 100 ग्राम जितना लिया है मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखनी है अब हम पानी ऐड करेंगे मेज़रमेंट के हिसाब से पाँच कप ऐड करेंगे पानी ऐड कर लिया है आप देख सकते हो अब हम एक चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमें कुकर को बंद करके विसल लेना है यहाँ पे दलिया और मूंग की दाल को पकाने के लिए दो से तीन विसल लेना ज़रूरी होगा और स्लो गैस पे ही हम विसल लेंगे दो से तीन विसल ले ली है कुकर हमने ठंडा कर लिया है आप देख सकते हो जो दलिया की खिचड़ी बन के रेडी है वो ड्राई हो गई है हमें यहाँ पे एक चम्मच जितना एक कप जितना पानी ऐड करना है और थोड़ी स्मूथ बनाना है पानी ऐड करके एक उबाला आने तक पकाना है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आपकी खिचड़ी यहाँ पे ही बन के रेडी हो गई है मगर हम यहाँ पे मसाला वाले बनाएंगे तो इसके लिए अब नेक्स्ट मसाला रेडी करने वाले हैं हमारी थोड़ी बच्चों के लिए खिचड़ी बन के रेडी कर लिया है ऊपर से देसी घी ऐड कर लेंगे जो हेल्दी है दलिया का मसाला रेडी करेंगे तो उसके लिए हमें पैन में दो चम्मच तेल ऐड करना है गरम करना है तेल गरम हो गया है इसमें हमें काटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे तीखापन के लिए चलाते जाएंगे और इसमें हम लहसुन ऐड नहीं करने वाले हैं अब हम अदरक को छीन लेंगे थोड़ा सा लिया है अदरक से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और अगर आप अस्पताल के लिए पेशेंट के लिए बना रहे हो तो और बुजुर्गों के लिए बहुत ही सही है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए हेल्दी भी है और दो से तीन मिनट तक हम पकाते जाएंगे अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ में बारीक काटी हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे आपको जो वेजिटेबल पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हो अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे पकने के लिए ऊपर से कवर करके होने देंगे बीच बीच में मटर चेक करते जाएंगे मटर हो जाए तब तक हमें पकाना है अब हम मटर को चेक कर लेंगे मटर अच्छे से हो गए हैं अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे टमाटर हमने कट कर करके लिया है और उसमें जो बीज का पार्ट होता है वो निकाल लिया है अब हम इसमें बारीक काटा हुआ पत्ता गोभी ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है और ध्यान देना है कि हमने दलिया में ऑलरेडी पहले से नमक ऐड किया था तो उसके हिसाब से यहाँ पे नमक ऐड करना है मिक्स कर लेंगे अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर को फाइव टू सिक्स मिनट तक हम कवर करके पका लेंगे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं अब हम मूंग की दाल और दलिया जो खिचड़ी बना के रेडी किया था वो ऐड कर लेंगे पूरा ऐड करना है मिक्स कर लेंगे इस तरह से अगर आप दलिया ड्राई खाना चाहते हो तो आप वो भी खा सकते हो अगर आपको थोड़ा ग्रेवी जैसा पसंद हो तो ऊपर से पानी ऐड कर सकते हो धनिया ऐड कर लेंगे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे एक मिनट तक होने देंगे ताकि हमारे मसाले सेट हो जाए गलिया बन के रेडी हो गया है अब हम सर्व करके ऊपर से तड़का लगा देंगे तड़के के लिए कढ़ाई में तेल लेंगे तेल हम एक चम्मच जितना लेंगे तेल गरम हो गया है इसमें हम एक चम्मच सरसों के दाने ऐड कर लेंगे एक चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे अब हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे ग्रीन लीव्स ऐड करेंगे और तड़का लगा देंगे गर्मा गर्म तो आप भी हमारी रेसिपी देख के ज़रूर बनाइए बच्चों के लिए सादा दलिया खिचड़ी और बड़ों के लिए मसाला दलिया खिचड़ी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी